इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से पार्ट डिफरेंसेस कौन से हैं। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों चलिए इसका जवाब देखते हैं। पहला डिफरेंस है ये, दूसरा डिफरेंस है ये, तीसरा डिफरेंस है ये, चौथा डिफरेंस है ये और पांचवा डिफरेंस है ये। दोस्तों आपने इनमें से कितने डिफरेंसेस ढूंढे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस इमेज को ध्यान से देखिए। अब इस इमेज को ध्यान से देखिए और अब इस इमेज को ध्यान से देखिए और अब ये बताइए आपने इनमें से कौन सा इमेज देखा था। आपने इनमें से ये वाला इमेज देखा था। अब ये बताइए आपने इनमें से कौन सा इमेज देखा था। आपने इनमें से ये वाला इमेज देखा था और अब ये बताइए आपने इनमें से कौन सा इमेज देखा था। आपने इनमें से ये वाला इमेज देखा था। दोस्तों क्या आप इस मेमोरी टेस्ट में पास हो पाए? आप अपना जवाब कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक सोसाइटी में पिछले दो दिनों से इलेक्ट्रिक सेवा बंद कर दी गई थी। वहां के लोग लाइट ना होने की वजह से बहुत परेशान थे। सोसाइटी के अध्यक्ष सभी को आश्वासन देते हैं कि जल्दी इसका निवारण हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह अचानक ही उस सोसाइटी में एक औरत का खून हो जाता है। इस बात की खबर मिलते ही थोड़ी ही देर में वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस लाश के आसपास के जगह की जांच पड़ताल करती है और सोसाइटी के कंपाउंड में आकर सबसे पूछती है कि किसी ने इस औरत का खून होते हुए देखा है क्या? तो सब मना कर देते हैं। पुलिस समझ जाती है कि इनमें से ही कोई है जिसने उस औरत का खून किया है। पुलिस सबसे पूछताछ करती है कि जब खून हुआ उस समय आप सब तब क्या कर रहे थे? मेवालाल कहता है, मैं सुबह सुबह जॉगिंग पर गया था और जब मैं वापस आया तब मुझे पता चला कि यहाँ खून हुआ है। आकाश कहता है, मैं तो दो दिन के लिए अपने ऑफिस के काम से बाहर गया था और आज सुबह ही वापस आया हूँ। तोताराम कहता है, मैं एक पत्रकार हूँ, सुबह सुबह मैं नहा धोकर नाश्ता करने बैठा था तभी मुझे याद आया कि टीवी पर मेरा आज इंटरव्यू आने वाला है तो मैं वही टीवी पर देख रहा था। मोना कहती है, मैं तो सुबह सुबह मेरे पति के लिए नाश्ता बना रही थी और मुझे भी अभी ही पता चला कि यहाँ खून हुआ है। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन झूठ बोल रहा है और किसने उस औरत का खून किया है? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। दोस्तों क्या आपको पता चला कि इनमें से कौन झूठ बोल रहा है और किसने उस औरत का खून किया है? तो चलिए हम बताते हैं, उस औरत का खून तोताराम ने किया है। तोताराम ने झूठ कहा कि वो टीवी पर अपना इंटरव्यू देख रहा था, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वीडियो की शुरुआत में ही हमने आपको बताया था क्योंकि उस सोसाइटी में दो दिनों से इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो तोताराम टीवी कैसे देख सकता है।
इसका मतलब तोताराम झूठ बोल रहा है और उसी ने उस औरत का खून किया है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों क्या आप पता लगा पाए कि इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। इनमें से ये वाला पिक्चर ऑड वन आउट है। दोस्तों क्या आपने भी यही जवाब दिया था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए इस इमोजी के पीछे कौन सी एक्ट्रेस है। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। दोस्तों क्या आपने इसका जवाब कमेंट किया? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। इस इमोजी के पीछे ये एक्ट्रेस है। दोस्तों क्या आपने इस एक्ट्रेस को पहचान लिया था? दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, ये कौन सी फिल्म है, और इस सवाल का जवाब है, इस सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया है, उन सबका धन्यवाद। लेकिन हम सभी लोगों के नाम नहीं ले सकते हैं। उनमें से पहले 6 लोगों के नाम हैं अरुण डोंडियाल, प्रदीप रुंगटा, साक्षी इंगले, ओनली फ्री फायर, हरे कृष्णा और गोल्डी सुमन। और आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे का सवाल है, इस इमेज को ध्यान से देखकर बताइए ये कौन सी फिल्म है। दोस्तों इस पिक्चर को ध्यान से देखिए जिसमें 3 इमेजेस को मिलाकर किसी एक सब्जी का नाम बनता है, तो क्या आप बता सकते हैं कि उस सब्जी का नाम क्या है? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। दोस्तों क्या आपने अपना जवाब कमेंट किया? अगर नहीं किया तो आप अपना जवाब जल्दी से कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों यहाँ पहली इमेज में है एक हैंडपंप और दूसरी इमेज में है चाबी मतलब की, और तीसरी इमेज में है इंग्लिश लेटर एन। तो इन तीनों इमेजेस को मिलाकर मतलब पंप, की और एन को मिलाकर बनता है पंपकिन, जो कि एक सब्जी का नाम है। दोस्तों क्या आपने भी यही जवाब कमेंट किया था? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।